देश भर में गुरु नानक देव जी का सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में होशंगाबाद के गुरुद्वारे की चर्चा किया जाना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। दरअसल होशंगाबाद सिख धर्म के लिए किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ गुरु नानक देव और गुरु ग्रंथ साहिब से जुड़ी हुई दो अनमोल धरोहर मौजूद हैं, जिनके कारण होशंगाबाद का महत्व बढ़ जाता है। होशंगाबाद गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी से जुड़ी हुई तकरीबन 600 साल पुरानी यादें मौजूद हैं। जब गुरु नानक देव जी 1418 ईस्वी में होशंगाबाद आए थे, यही नहीं, होशंगाबाद के पवित्र गुरुद्वारे में स्वर्ण स्याही से हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहब भी मौजूद है। गुरु नानक देव जी के होशंगाबाद प्रवास पर आने की निशानियां भी यहां है। ऐसा माना जाता है कि 1418 ईस्वी में गुरु नानक देव जी होशंगाबाद प्रवास पर आए थे। गुरु नानक देव अपनी दूसरी उदासी के दौरान इंदौर भोपाल होते हुए होशंगाबाद आए थे और 7 दिन तक यहां विश्राम किया। इसके बाद जबलपुर होते हुए दक्षिण दिशा की ओर गए थे। इन दो प्राचीन निशानियों के कारण होशंगाबाद का इतिहास सिख समुदाय में बड़े आदर से लिया जाता है और गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु होशंगाबाद पहुंचकर अरदास कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर, पूरे संसार के अंदर अज्ञानता रूपी अंधेरा छाया हुआ था, तो गुरु नानक साहिब जी का जब जन्म हुआ है संसार के अंदर, लोगों को एक अच्छा रास्ता दिखाने वाला, एक धर्म का रास्ता दिखाने के लिए जब वो संसार का भ्रमण किया उन्होंने, तो कुछ टाइम यहाँ पर भी ठहरे थे इस होशंगाबाद नगर के अंदर, कुछ दिन यहाँ पर रहे थे। जो पुरातन जो बादशाह था उस टाइम का, जिसका नाम था होशंग शाह, उसके साथ उनकी मुलाकात होती और जो उसका जो भ्रम था उसको गुरु साहिब ने दूर किया था। फिर उसके बाद जो दूसरा इतिहास है हमारा यहाँ का महत्वपूर्ण, जो सिख धर्म के गुरु है जो प्रेजेंटली श्री गुरु ग्रंथ साहिब, वो पुरातन है, काफ़ी 400 साल समथिंग पुराने है, और वो भी एक हस्तलिखित हाथों से लिखे हुए, पुराने टाइम पे जब प्रिंट का काम नहीं था उस टाइम के हाथों से लिखे हुए हैं। तो जब 1973 के अंदर यहाँ पर बाढ़ आई थी, उस टाइम के अंदर एक बाहर कमरा है वहाँ पर वो गुरु ग्रंथ साहिब एक बॉक्स के अंदर, लकड़ी के बॉक्स के अंदर प्राप्त हुए थे। सोने की स्याही की कॉपी है, जो मतलब उसके अंदर लिखा है कि सोने को मिलाकर और तांबे के भांडे के अंदर वो काल जमुन का पानी और मतलब लक्कड़ के पानी को मिक्स करके पूरा एक विधि के अनुसार तैयार की करके, फिर पिछले टाइम पर जब मोर के पंख से लिखा जाता उस तरीके से लिखा गया है हैंड राइटिंग से। होशंगाबाद से जिला ब्यूरो अनिल यादव।